और तो किस नरा देंगे, मैं 24 घंटे तेल मारा आदमी हूँ। मेरी भाई क्या कारण है कि अपनी जिम्मेदारी से परे हट रहे हैं? क्या बताओ जी कारण? और तहसीलदार भी देते लगा, दूसरा डर का छुट्टी लेगा। ये तहसीलदार साहब भाई फाइल फाइल कमा रहा है, कभी 3 बजे आवा, कभी 4 बजे आवा। रीडर ने बतला रखा, एक दिन रीडर आ जा, तहसीलदार नहीं आता, तहसीलदार आ जा रीडर नहीं आता। रीडर के बगैर उन्हें साइन करता, तहसीलदार के बगैर रीडर ने साइन करता। पब्लिक का बड़ा मेरा क्या पागल हो गया पब्लिक 3 महीने लिए। तो क्या लगता है? पांच तहसील दे रखी है, तहसीलदार को सरकार ने 5-5 तहसील दे रखी जी। 64 गांव है यहाँ पर इस तहसील में, 4 पटवारी है, उसमें एक पटवारी को कंप्यूटर पर बैठा था साइन करने के लिए। कागजब है, कहाँ होगा फील्ड का काम जी? बाप बताओ कहाँ होगा? हम तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को, खट्टर साहब को भी, सीएम साहब को भी, विधायक जी को भी कम से कम यहाँ पर आदमी तो बैठा दो, डीसी रेट पर ला के बैठा दो। किसी पटवारी को यही मत नहीं है, वे अपने साथ किसी नौकर ना राग लगी जो काम करने वाला ना, वो भी नहीं बैठ सकता यहाँ क्यों बैठा रहा? कोई तो काम करेगा जी। बाल कड्डा मिसल बनता नहीं, कोई शादी ब्याह कार्ड बनते नहीं, कोई कुछ भी तो काम नहीं होता, एक भी काम होता है। 5 मन मेरे गांव की रजिस्ट्री थी रायपुर जाटान की जी, 7 बार टोकन लगाने के बाद रजिस्ट्री हुई 2.5 किले की, 7 बार टोकन लगे उस रजिस्ट्री का। बताओ क्या करें, कहाँ तक आओगी पब्लिक? तो भैया बाबा भाई आए 10-12 बाजी दिल में नहीं भाई, हमारे में तहसील में काम होना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे सरकार देगा, उम्मीद करते हैं भाई कम से कम यहाँ पर तो एक तहसीलदार तो परमानेंट। तो सिस्टम कब सुधरेगा? सीएम साहब तो पूछो कब सुधरेगा, मैं क्या पता, मत नौकरी लाना सीएम साहब, भेजेंगे सिस्टम कब सुधरेगा? कम से कम तहसील में एक तहसीलदार तो दे दो, पब्लिक का काम हो इसका, किसी की ड्यूटी लाओ, यानी कि किसी की कोई ड्यूटी ड्यूटी। मेरे को 64 गांव में 4 पटवारी है, तसल्ली कर दो आप, उनमें एक पटवारी कंप्यूटर पर ड्यूटी है, 3 पटवारी कुड़कुड़ जगह में संभालेंगे। हाँ। बता दो आप, ये देख लो तहसील में क्या हाल हो रहा है। एक दिन मैं छापा पड़ा, मैं तो था नहीं, ये बेचारा जिसने कंप्यूटर पे काम करे, छोटे मोटे 150 की दिहाड़ी कर रहे, मैं इनके बस्ते बाहर भगवा दो, अरे ना तो बाहर भेज देंगे, तो बेचारा दिखाई ले अपनी और 10 रुपये कम ले लेंगे। लेकिन जो प्रशासन काम करने वाला उनसे भेजो जी, पटवार तहसीलदार आवा एक घंटे का अंतर, पब्लिक की लाइन लाग जाए, खुनचन खुनचे हो जाए। मैं तो एक दिन और पत्रकार भाग लाए थे, कोशिश रहा है देवे, पत्रकार भाग लाए थे, जान दिए तहसील में, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, क्या कहना कम से कम परमानेंट तहसीलदार ला दो, बाकी पब्लिक का काम हो सके, पब्लिक दुखी ना हो, मेरे तो यही उम्मीद है। फाइल लुड़ रही 3-3 महीने फाइल रही ऑन रिकॉर्ड, मौके पे आए रजिस्टर में साइन तहसीलदार साहब के 23 तारीख 8वें महीने को मौका देख का ऑर्डर रहे, और फाइल नहीं पा रही मेरी, मेरी खुद की फाइल नहीं पा रही, तो किसकी पाओगी जी? बताओ वही हाल है, और किसके बारे में क्या बताऊँ मैं? आवाज मुख्यमंत्री चाचा तक पहुंचाने खातर और विधायक तक पहुंचाने खातर हम यहाँ पर धरती माता पर दरा बिछा कर बैठ कर वाहेगुरु राम का नाम ले रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, 3 महीने हो गए, अब तक किसी न किसी तहसीलदार को यहाँ आ जाना चाहिए, अगर वो रिश्वत ले रहे थे पकड़े गए तो उनके दर पर अभी तक किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। इतना काम होता है, बच्चों के स्कूल से लेकर जो है प्रॉपर्टी के साइन तक, या फिर कोई लोन लेना हो किसी प्रकार का साइन करवाना, तो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसी सिस्टम की आवाज उठाने के लिए ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया जिससे आवाज आगे तक पहुंचती है, ये लोग जागते हैं। तो यहाँ तहसील में जहाँ तहसीलदार की गाड़ी खड़ी होती थी, यहाँ पर गद्दा बिछा करके जिंदा लोग बैठ करके अपनी आवाज दे रहे हैं और बता रहे हैं। अगर 5-7 दिन के अंदर ये सिस्टम सही तरह से नहीं होया, जितने भी आवारा डांगर शहर में घूमना सारा न पकड़ कर याड़ा खुंटे गाड़ कर याड़ा बांधना शुरू कर देंगे जी। ये कह रहे हैं हम लोग जी। तो देख सकते हैं जेपी सारी जनता सरकार सुन ल, क्योंकि मेनू मेरे घर वाले गुजर गए सी, ओदी प्रॉपर्टी बच्चों दे नाल वाणी सी, 10 महीने हो गए ने, कदी तहसील च कदी नगर पालिका च, कदी तहसीलदार ने उदा कदी उसकी साइन कराओ, कदी ओदे साइन कराओ। हुण कल खबर मिली है कि इसको अखबार में कढ़ाओ, ये संजय जी बैठे, उसको मैंने कल फोन किया तो संजय जी ने कहा भी उससे मिलो, पत्रकार क्या नाम उसका, जय भगवान से, उसको कल मिले, उन्हें कल मिल के फिर उन्हें दिता है, आज जो खबर आई भी अखबार में तुम्हारी खबर निकल गई है, जान के ले जाओ, 1 महीना जो और लगेगा पता नहीं की होना है। बाकी दूजी गल, एक मीटर लगाना से था, मीटर बिजली दफ्तर जा, वो कहने लगे भी एफिडेविट बनवा के लियाओ जी, कई दिन हो गए चक्कर कट कट एफिडेविट बनवाया, हूँ वो तहसीलदार से साइन कराओ, तहसीलदार मिलता नहीं जी,
ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜਲੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ